अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो यार कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। सो गाइस, लास्ट टाइम अस्ताना देख लें मेरे ब्लॉग में आप, रात को और खूबसूरत लग रहा है। वी आर रेडी, अभी बस जा रहे हैं। तकरीबन 2 बज रहे हैं और 3 बजे हमारी ट्रेन है और स्टेशन के लिए बस निकल रहे हैं हम लोग। और अस्ताना, आई विल मिस यू, कसम से आई विल मिस यू। और फ्लैट को भी हमने अच्छे से साफ सूफ कर दिया, अपना सामान सारा उठा लिए। ये हमारा लगेज पड़ा हुआ है और ये सारा कुछ हमने साफ सूफ कर दिया। तो ओके, बाय, सी यू, पता नहीं कब। ये हमारी खजान का जो है ना हस्बैंड आया हुआ है। यार अभी बस हम लोग बाहर आ गए हैं और इस टाइम -32 है और फील्स लाइक -45। तो आप खुद अंदाज़ा लगाए यहाँ कितनी ठंड है ब्रो, -45। और मुंह से धुआं निकल रहा है। अभी हम टैक्सी का वेट कर रहे हैं, हमारा लगेज पड़ा हुआ है। यार लिटरली यहाँ से जाते हुए ना बहुत बुरा फील हो रहा है। ऐसा बुरा फील हो रहा है ना? नहीं, मुझे अच्छा फील हो रहा है। मैं अगले से उठी जाके अपने दोस्तों से मिलूँगी। यार ये हम लोग रेलवे स्टेशन पहुंच चुके हैं। दिस वन, यहाँ पर मेरी दोस्तें आ रही हैं। ये जो है ना अस्ताना का ओल्ड रेलवे स्टेशन है, इसका नाम है अस्ताना वन, लेकिन इसको अस्ताना वन कहा जाता है। सिक्योरिटी वाला सीन है गाइस यहाँ पर। यहाँ के रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट से कम नहीं है गाइस। अभी हम लोग जा रहे हैं अस्ताना से कारागंदा, जो कजाकिस्तान की हिस्ट्री के लिहाज से काफी एक इम्पोर्टेंट शहर, हिस्टोरिकल शहर समझा जाता है कारागंदे को। तो अभी हम वहां पर जा रहे हैं। हमारे वो रही ट्रेन। ओ बिस्मिल्लाह। अच्छा यहाँ पर ऐसे नहीं आप पाकिस्तान का ट्रेन में घुस जाते। ये लेडी खड़ी हुई है, ये टिकट चेक कर रही है सबकी। जिसकी टिकट होगी वही अंदर जा सकेगा। बस आयशा जो है उनसे सीट्स का ये भी, मतलब हर हर डोर पे गार्ड खड़ा हुआ है। यहाँ पर ये मैन है, वहाँ पर वो लेडी। तो आयशा भी सीट्स का पूछने गई है उससे, टिकट दिखाएगा और फिर बताएगा कि कौन सा वाला कैबिन है आपका, कौन सा वाला, उस पर हम चले जाएंगे। ओह माय गुडनेस, ऐसी ट्रेन है ठीक है। यहाँ पर ऐसी बर्थ है ठीक है, हम 4 लोग हैं और एक ऐसी बर्थ है। अच्छा है ठीक है, काम चल जाएगा। 5 मिनट का हमारा सफर है, सुबह 8 बजे इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे कारागंदा। दिस इज फॉर हॉट वाटर, केटल है पूरी, बहुत गर्म है। गर्म पानी के लिए अगर किसी ने कॉफ़ी वगैरह कुछ बनानी है तो उसके लिए। ट्रेन वैसे ऑलमोस्ट खाली है लेकिन काफ़ी लोग हैं अभी, तो अच्छा है यार, ऐसी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। बाहर -30 है लेकिन फील्स लाइक -45 और अंदर इन्होंने 26 डिग्रीज किया हुआ, टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ। तो यहाँ बिल्कुल भी ठंड नहीं है और विंडोज भी जो है वो बिल्कुल क्लोज। डडा लीन को बाहर का ये सीन है, स्नो ही स्नो है। लेट मी शो यू ट्रेन का वॉशरूम। ये रहा ट्रेन का वॉशरूम गाइस, और ये रही मैं।
बट इट्स स्मेली, इसको बंद कर दो बस। और अभी मैं सो जाऊंगी, अब मैं कारा गंदा जाके उठूंगी, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तकरीबन 3 बज रहे हैं, 3:10 पे ही चलेगी और अभी बस मैं जाके सो रही हूँ। ट्रेन जो है वो चल पड़ी है हमारी। कारागंदा हम लोग पहुंच गए, तकरीबन 4.5 घंटे का सफर था और मैं पूरा रास्ता में सो नहीं पाई। मतलब ना ट्रेन बहुत अजीब तरीके से चल रही थी, मुझे लग रहा था पता नहीं अल्लाह माफ़ करे बर्फ के कोई पत्थर आ रहे आ गए, अजीब तरीके से चल रही थी। तो मतलब पाकिस्तान से बहुत डिफरेंट तरह, तो मतलब इस वजह से मैं थोड़ा डर रही थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरा वहम था। खैर पर हम सो नहीं पाए, मैं सो नहीं बिल्कुल पाई। हम लोग कारागंदा पहुंच चुके हैं स्टेशन, बस कुछ टाइम में हम ट्रेन से उतर जाएंगे। और हम नींद से पागल हो चुके हैं गाइस, नींद बहुत आ रही है। वाकई ये आ गई है शॉप। कारागंदा पहुंच चुके हैं, रेलवे स्टेशन पर खड़े और यहाँ पर तकरीबन -35 टेम्परेचर है इस टाइम और फील्स लाइक -45, बहुत ठंड है। तो यार ये आप ट्रेन का ट्रैक देखें, मुझे लगता है इन्होंने कुछ डिफरेंटली डिज़ाइन किया हुआ, इतनी स्नो है। और ये हमारा इंजन था ट्रेन का, बट मुझे बहुत डर लगा इस चीज़ से क्योंकि ये ट्रेन नॉर्मली चल रही थी लेकिन ना ठस ठस की आवाज़ें आ रही जैसे किसी चीज़ का टकरा रही है, और मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था ऑब्वियसली स्नो में ट्रेन का। तो इस वजह से वो बहुत ठंड है यार। बस हम लोग एग्जिट करेंगे, ये रेलवे स्टेशन छोटा है लेकिन है ये भी ठीक अच्छा है। वेलकम टू कारागंदा गाइस। कारागंदे जो भी है। यार यहाँ हम हॉस्टल में आ गए हैं, यहाँ पर अभी चेक करेंगे क्योंकि लोकेशन की समझ नहीं लग रही। लेट्स सी क्या यही बिल्डिंग है, बहुत स्नो है। तो यार अभी का सीन कुछ इस तरह कि हम लोग सो के उठ गए और 4 बज रहे हैं, 8 बजे सोए थे, फ्रेश वगैरह हो गए। तो बस अभी जो है ना मैं आपको हॉस्टल टूर भी दूंगी, अपना रूम टूर भी दूंगी, प्राइस भी बताऊंगी कि कितने का हमें ऊपर है। तो बाकी अभी हमारे अरबी दोस्त आ रहे हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, बात के सीन आपको बाद में बताते हैं, ठीक है? यहाँ पर हॉस्टल का स्टाफ भी काफ़ी अच्छा था, फ्रेंडली था, इनसे बातचीत हो रही थी तो बातों में इनको बताया कि मैं व्लॉगर हूँ ना। तो अब इनको मैंने अपना यूट्यूब चैनल दिखाया तो मेरे 6.8K सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे, यानी 6800। तो इनको लगा कि 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो ये तो पागल हो गए। फिर मैंने भी कहा यार ठीक है पागल ही बनाए रखो इनको। फिर हमारे अरबी दोस्त जो जॉर्डन से है वो आए और वो सब कुछ प्रिपेयर करके लाए थे, चिकन ईच एंड एवरीथिंग, और वो पास्ता बना रहे थे, स्पैगेटी व्हाइट सॉस भी बनाई उन्होंने और उन्होंने रेड सॉस स्पैगेटी भी बनाई और बहुत मजे की थी। यार इसने मतलब बुखार रखा हुआ इस लड़की ने, इसके दोस्तों भी वास्ते फिर हम खाएंगे। और ये कज्जा भी जो है ना कर रहा है समथिंग।
दे मेक वेरी गुड पास्ता दिस इज वाइट सॉस तो तू मेरा उठा 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 एंड दिस इज रेड सॉस वाओ एक और वो बिठाना पास्ता आई विल ईट इब्राहिम सर्विंग पास्ता बट ये जो है ना लिटरली यार इसने जो पास्ता बनाया ना दोनों स्पेगेटी दोनों बहुत अच्छा लाइक डिफरेंट टेस्ट था अरेबिक फूड तो दोनों बहुत अच्छा है इट्स अ गुड एक्सपीरियंस सो यार हम लोग किचन में बैठे हुए हैं हॉस्टल का जो किचन है अभी खाना शाना हमने खाया है आयशा और लीन बातें कर रहे हैं वहाँ सब बर्तन धो रही है और मैं जो चाय बना रही हूँ सबके लिए तो लीन और उसके भाई दो ब्रदर्स लाइक ये जॉर्डन से अरेबिक है लीन फैसल इब्राहिम तीनों भाई यहाँ बहन भाई यहाँ पढ़ते हैं और वो हमारे लिए उन्होंने यहाँ पर आके खुद चीज़ें वगैरह लेके आए थे पास्ता बनाया वाइट सॉस रेड सॉस बहुत अच्छा था बहुत मज़े का था तो बस बहुत मज़ा आया अभी पेट बहुत फुल हो गया अभी बस चाय बना रहे हैं और बाकी अभी हॉस्टल टूर भी देना है शायद ये व्लॉग बहुत लंबा हो जाए नेक्स्ट डे का व्लॉग में मैं आपको हॉस्टल टूर दूँ तो बाकी चाय पीते हैं यार वी आर वेरी टायर्ड और बस अभी सोएंगे जाके तकरीबन 10 बज रहे हैं सोएंगे अभी फिर सुबह उठ के कारागंदा घूमेंगे थोड़ा सा फिर कल रात हमारी ट्रेन है तो सी यू